सबसे पहले ईंट पे अपन को घोल लगाना होता है। घोल को आप शायद सिलेरी बोलते हो, तो उस सिलेरी को अच्छे से लगाएं। बिल्कुल ब्लैक हो जाना चाहिए ईंट, यानी कि बिल्कुल काली पड़ जानी चाहिए, बिल्कुल वो लाल लाल नहीं दिखे, जिससे कि पकड़ अच्छे से हो सके अपने मसाले की। घोल लगाने के बाद अपन को मसाला छापना होता है, और मसाले हो सके तो अपन को थोड़ा मोटा छापे तो बहुत अच्छा रहता है। करीबन मतलब 1.5 इंच अपन को मसाला छापना होता है, क्योंकि 1 या 1.5 इंच तो अपन को प्लास्टर में रखना ही रखना होता है। और तो इसे अगर अपन 1.5 इंच करीबन छापेंगे तो शायद अपने फंटी में एक ही बार में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। मेरी जो दीवार है इस पर लगभग मैंने मसाला पूरा छाप लिया है। अब कहीं पर मेरे को जो गड्ढे लग रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा माल कम लगा है, तो उस जगह पर मैं थोड़ा बहुत छाप लेता हूँ। और छापने के बाद अपन को देखना होता है कि अगर उल्टी कंडी फेर दे तो और अच्छा रहता है, उससे कि माल गिरता नहीं है जल्दबाजी में। अब जो अपनी फंटी काटते हैं, फंटी से माल वो एक साथ पूरा गिरता नहीं है ऐसे उल्टी कंडी फेरने से, ये होता है। अगर आप नहीं भी फेरो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब निकाल लेते हैं फंटी। सबसे पहले फंटी को अपन को अच्छे से पकड़ लेना है, और ये धीरे से जहाँ अपना ठिया बना रखा है, अपन ने कि मार्जिन ले लिया अपन ने कि भाई 1 इंच या 1.5 इंच करीबन जो मार्जिन है, उसी हिसाब से ठिए पर अपन को फंटी चलाना होता है। जब भी अपन फंटी चलाते हैं उस टाइम पर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि फंटी का जो ठिया बनाते हैं उसको बिल्कुल आराम से माल को काटें और आराम से मतलब फंटी लगाएं। और अपन को देखना है कहीं पर अपने जो गड्ढे हैं उसको पहले उसको एक बार फंटी मारने के बाद जो गड्ढे बचते हैं उनको आराम से भरें, और भरने के बाद फिर फंटी निकालें। ये इस प्रकार से देख सकते हो आप। फंटी को बिल्कुल सीधी चलाने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि तिरछी चलाने पर कहीं पर फंटी बैठने का डर रहता है, इसलिए बिल्कुल सीधी चलाने की कोशिश करें। और उसके बाद अपन को देखना होता है साउल, कि जो अपने जो फंटी लगाई वो साउल में हुई या नहीं हुई, इसलिए अपन को साउल ज़रूर चेक करें। और साउल का देखने के बाद देखना होता है कि कहीं पर कम या ज़्यादा कट रहा हो, तो वहाँ पर माल छापे या कटिंग करने वो करें। और उसके बाद अपन को जब साउल कंप्लीट है अपनी, उसके बाद इस रेप जो अपनी फंटी होती है इससे एक निशान ज़रूर पड़े। उससे फ़ायदा ये होता है कि अपन जब भी माल दोनों तरफ ठीक है कंप्लीट होने के बाद माल को काटेंगे, यानी कि फंटी लगाएंगे, तब अपना माल ज़्यादा कटेगा या ज़्यादा या कम कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इस निशान जो खड़ी रेप का निशान लगाया मैंने, इससे ये फ़ायदा रहता है। आप जब प्लास्टर करते हो दोस्तों, आप लगाती या नहीं लगाती हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं मेरी वीडियो में किसी प्रकार की बकवास नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सिखाना ही है कि आप लोग भी सीखें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो एक ही दिन में सीख सकती हो मेरी वीडियो को देखने के बाद, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में से सीख सकते हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है, और आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखोगे तो शायद सीख भी सकते हो। इस जो दीवार थी इसमें मैंने दूसरा टिया भी बनाया है, क्योंकि एक दीवार पे अपन कम से कम 2 टिया बनाना होता है, वो फंटी के हिसाब से चाहे जितने बना सकते हो, लेकिन फंटी के हिसाब से 2 टिये कंप्लीट हो गए, और इन दोनों के बीच में अपन को फंटी को चलाना होगा। तो लगभग मेरे दोनों टिये कंप्लीट हैं। अब एक समस्या आ गई, अपना ये प्लास्टिक ये जो मसाला छापा हुआ था अपने ये गिर गया। अब इस पर अपन को क्या करना है, सूखी सीमेंट को उड़ाना है इस प्रकार से बिल्कुल हल्के प्रेशर से, ताकि आँखों में ना आए, बिल्कुल सावधानीपूर्वक बचते हुए सूखी सीमेंट उड़ाने के बाद अपन को फिर से वापस डबल से इसमें छाप भरना है, फिर आराम से रुक जाएगा। और जो अपन ने पहले से छाप भर रखी उसको उल्टी कंडी फेरेंगे तो उससे अपन को फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो माल अपन फंटी चलाएंगे तब ये गिर नहीं। और ये अपना उल्टी कंडी मैंने लगभग घुमा दी है, अब मैं चलाता हूँ फंटी। जो अपने दोनों टिया है उन दोनों टीए के आधार पर मैं फंटी चलाता हूँ। इस प्रकार से अपन को फंटी रखनी है दीवार पे, और फिर बिल्कुल धीरे से बिल्कुल अपनी जो लाइन खींची हुई है ना फंटी, उसको देखते हुए चलानी है कि ये कहीं कट नहीं जाए और कहीं ज़्यादा नहीं रह जाए। ये चीज़ को अपन को बिल्कुल सावधानीपूर्वक चलाना है, देख सकते हो आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक इस प्रकार से चलानी है। जल्दबाजी में तो क्या फंटी घुस जाएगी, तो अपन को फंटी को घुसाना नहीं है, और बिल्कुल जो अपनी लाइन क्रॉस है उस लाइन के बराबर अपन को दिखते रहना चाहिए, ताकि ये फंटी घुसे नहीं और ज़्यादा मार्जिन ऊपर रहे भी नहीं। आप जब फंटी लगाते हो आप तो किस प्रकार से लगाते हो दोस्तों, मुझे भी यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शायद हो सके आप मेरे से भी बहुत अच्छे से फंटी लगाना जानते हो, तो मुझे भी बताना, ताकि मैं और अच्छा से आगे वीडियो बना सकूँ। और मैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक फंटी को चलाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो फंटी जब अपन टीए पे चलाते हैं तो बिल्कुल आराम से ही चलाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में फंटी जब घुसती है तो फिर से अपन को वापस माल भर के
वापस उसको चलाते हैं तो टीआई भी शायद थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है। इसी हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपन को लगभग थोड़ी सावधानी से ही चलाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही बार में अपनी जो फिनिशिंग रहेगी वो सही से निकल पाएगी। मतलब जो फंटी में जो प्लास्टर बैठेगा अपना सूज सॉल में, वो करीबन करीबन बिल्कुल सही से बैठ पाएगा। और अब जो अभी फंटी मैंने जो निकालनी है, अब फंटी निकालने के बाद अपन को देखना होता है कि जहाँ पर जो गड्ढे पड़े हुए ना, जो साइड में जो गड्ढे बसते हैं जो भरे हुए नहीं है, अब उन पर अपन को बिल्कुल जहाँ पर गड्ढे हैं ना बिल्कुल उन्हीं गड्ढों पर अपन को माल को मारना है, और ऊपर माल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए। और अपन लगाना भी चाहें तो बिल्कुल हल्के फुर्री लगाएं, अपन फुर्री बोलते हैं जिसको कम माल चढ़ाना जो चढ़ाते हैं उसको, आपकी भाषा में शायद कुछ और बोलते हो। और मोटे मोटे गड्ढे पर अपन को माल को बिल्कुल करने की सहायता से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला मार देना है, और उल्टी करने को आएंगे तो फ़ायदा ही है, मैं पहले बता चुका हूँ। बार बार बोलूँगा तो आप सोचोगे कि यार एक एक बात को रिपीट करते हो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। लगभग जो मेरे गड्ढे थे उनको मैंने करने की सहायता से भर दिया है, मतलब मसाला लगा दिया है, और अब मैं एक बार फिर से वापस फंटे को मेरे को घुमाना होगा जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। फंटे को बिल्कुल पहले अच्छे से साफ़ करना है अपन को, और साफ़ करने के बाद अगर अपन ने टीए पे माल चढ़ाया है तो वहाँ भी लगभग पीला पहले सीधा कर ले, और अगर नहीं चढ़ाए तो आप डायरेक्ट भी फंटे को चला सकते हो। मेरे जो टीए थे उस पर हल्का सा माल चढ़ गया था, इस वजह से मैं वापस एक बार फंटे लगा के चेक कर रहा हूँ ताकि अपना टीए वहीं कम्प्लीट हो जाए। दोनों तरफ कर लेता हूँ और उसके बाद वापस उसी प्रकार से अपन फंटे चलाएंगे जैसे कि पहले चलाई थी। और बिल्कुल सावधानी से चलाना है अब की बार, क्योंकि अब की बार फंटी को घुसाना नहीं है अपने को, बिल्कुल आराम से चलाएं ताकि जो अपने गड्ढे हैं वही भरे, और जल्दबाजी में गड्ढे भरते नहीं बल्कि और माल कटता है। और आराम से चलाएंगे तो अपने गड्ढे भरते हुए जाएंगे फंटी की सहायता से भी। फंटी को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना ही है अपन को। आप जब प्लास्टर करते हो तो क्या दूसरी बार भी आप फंटी चलाते हो या नहीं, या डायरेक्ट ही आप बटकड़ा यानी कि रुस्से को चलाते हो? मैं तो दूसरी बार भी फंटी को चलाकर मोटे जो गड्ढे होते हैं उनको भरता हूँ, और फंटी को बिल्कुल ही आराम से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं फंटी को आराम से ही चलाता हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करता हूँ फंटी फेरते वक्त, जिससे कि अपनी फंटी घुसे नहीं और ना ही माल रखे। और लगभग मेरी फंटी अब लग चुकी है, ये कंप्लीट होगी फंटी का काम। अब चलाता हूँ भटकड़ा, यानी कि जो मैं चला रहा हूँ उसको कहीं भाषा में रूसा, कहीं पर गुट्टी, ऐसा कुछ नाम से जानते हैं। हमारी भाषा में हम लोग इसको भटकड़ा बोलते हैं, आप शायद कुछ और बोलते हो, और जो भी नाम हो मुझे यार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसको अपन को हल्के हाथ से चलाना है, और जहाँ पर जो गड्ढा है मोटे गड्ढे तो अपन ने फंटी से भर ही लें, अब जो छोटे गड्ढे बचे हैं उनको अपन को करने से हल्का सा मारना है, और करने को दबा के मारना है। मारने के बाद अपन को वापस से भटकड़ा की सहायता से उसको घुमाना है गोल गोल, एक ही जगह पर ना घुमाएं, जहाँ पर पहले से माल है उसके हिसाब से उसको चलाते रहना चाहिए, ना ही तो माल काटना है अपन को और ना ही उस पर माल अपन को एक्स्ट्रा चढ़ाना है। बिल्कुल जो अपना पुराना माल है फंटी लेवल है उसके अनुसार ही अपन को उसको उसको रुस्से को अपन को चलाना है, और इसमें भी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो कहीं तो फंटे अपन को रुस्से को घुसा देंगे और कहीं पर माल चढ़ा देंगे तो उससे भी अपना प्लास्टर जो फिनिशिंग है वो प्लास्टर बिगड़ेगा। इस प्रकार से अपन को जो प्लास्टर पर जो फंटी लगी है उसी के अनुसार अपन को इस रुस्से को सावधानीपूर्वक चलवाना है, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी से अपना प्लास्टर जो होता है उसमें गड्ढे भरते हैं या फिर माल चढ़ता है, इस प्रकार से आपको चलाना है। जहाँ पहले बड़े गड्ढे को ना भरे बल्कि जो छोटे गड्ढे हैं उनको पहले भरने की कोशिश करें, इससे कि अपनों को एवरेज पता चल जाता है कि अपने जो मतलब गड्ढा भरने के चांसेस उसमें ख़त्म हो जाते हैं, और फिनिशिंग और प्लास्टर अपना एक नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही प्लास्टर होता है। लगभग मेरा प्लास्टर मतलब जो रूसा है मैंने पूरे तरह से घुमा दिया है, लगभग मोटा मोटा काम मेरा हो चुका है। और इसके बाद अपन को क्या करना होता है, जिससे कि अपन को रूसा पैर के अपने जो प्लास्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपन को चलानी होती है गुरमाल। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में अभी आपको गुरमाल चलाना नहीं बता सकता है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो प्लास्टर कर रहे हैं वहाँ पर उसने मना कर रखा है कि भाई गुरमाल अपन को चलाना नहीं है। इससे होता क्या है कि भाई जो पुट्टी भरते हैं वो पुट्टे के गड्ढे इसमें भरते नहीं है, मतलब पुट्टी सही से बैठ नहीं पाती है, इसकी वजह से अपन को हम लोगों को मना कर रखा है कि आप गुरमाल ना चलाएं। इस वजह से सॉरी दोस्तों मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। तो लगभग मेरा प्लास्टर पूरा हो चुका है, और मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बनी रहे मेरे चैनल को और देखते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको देख कर कुछ सीख सकें।